भाई दिमाग का दही होगा आपकी इस वीडियो में, क्योंकि मैं आज मैं आपको लेके आऊँ चाइना बॉर्डर के पास बसा हुआ एक गांव ताबो। चाइना नहीं है वो, एक तिब्बत है जिसे चाइना ने कब्जा रखा है। लेकिन आज मैं आपको यहाँ के घर दिखाऊंगा और कैसे ये रहते हैं, कैसे इनके घर हैं, क्योंकि एक बहुत अलग चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद ही आपने ऐसी कोई चीज देखी होगी। तो आइए लेके चलते हैं। तो आसपास देख सकते हैं ड्राई पहाड़ है, जो सर्दियों में टेम्परेचर यहाँ पे जाता है वो -50 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियों में +20 डिग्री। तो यानी कि जी बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ की लाइफ के लिए। इधर आप देख सकते हैं जी, ये सेब के बाग हैं और ये इधर घर है जो कि बहुत पुराने घर हैं, बिल्कुल मड हाउस हैं। आपने ऐसे घर देखे नहीं हो गए होंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसे घर दिखाऊंगा और जो इसकी ओनर है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आ जाओ दोस्तों अंदर चलते हैं। तो हेलो मैम, नमस्ते। तो हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारी ग्रीटिंग। और यहाँ से एंट्री होती है तो ये देख सकते हैं। और मैम कई काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं कृषि विभाग में, और होम स्टे भी चलाते हैं, फार्मिंग भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। तो ये इनके घर है। तो ये घर की छत काफी नीची होती है और घर के जो दरवाजे हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। तो हमें तो ऐसे झुक के सर बचा के और चप्पल बाहर निकाल के आना होता है। तो ये अंदर से आप घर का दृश्य देख सकते हैं जी। ये देखो जी कितना शानदार है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मैडम से, तो हम बातें करेंगे पूछेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल के जो सीएम है वो भी यहाँ पर विजिट किया हुआ है। उनके साथ आप बैठे हो मैम? ये मेरी मम्मी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी का स्ट्रक्चर है, ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है। आप बताएं तो इन घरों का क्या मकसद था, इनमें क्या फायदा है, अपने बारे में ही बताएं। नमस्ते जी, मेरा नाम सोनम है, मैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के ताबो गांव से बिलोंग करती हूँ जी। और ये मेरा मड हाउस है, मिट्टी का घर है। ये जो मिट्टी के घर है हम तो इसी में सर्वाइव कर पाएंगे। इवन आप लोग भी अगर विंटर्स में आते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर से ये होम स्टे स्टार्ट किया था, तो मैंने देखा, मैं लोगों को वो वाले भी दिखाती हूँ रूम्स और ये मिट्टी वाले भी, तो ये अंदर से बिल्कुल वार्म और कॉजी होता है, तो लोग यहीं स्टे करना प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू वो। और बाकी इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये समर्स में जब बाहर आपका टेम्परेचर गर्म होगा तो ये अंदर ठंडा टेम्परेचर देता है, और विंटर्स में जैसे कि बाहर टेम्परेचर कितना चला जाता है आपके यहाँ पे? सर्दियों में -30-35 तक तो आराम से चला जाते हैं, ज्यादा भी चला जाता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक होल है जी, ये वाला अभी बंद किया हुआ है ना जी, ये तो यहाँ पे सर्दियों में हम चूल्हा जलाते हैं, हिमालयन रॉकेट स्टोव के नाम से भी आते हैं आजकल जी। तो चूल्हा बीच में चूल्हा जलाते हैं और हमारा एक ट्रेडिशनल सेटिंग हो जाता है, तो फिर हम उस चूल्हे पे ही सारा कुक करते हैं, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा, उस चूल्हे की वजह से। हाँ जी, उस चूल्हे की वजह से। और उसको हम 24 आवर जलाते हैं, उसके अलावा तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, अपने लिए भी और गेस्ट के लिए। हाँ जी, गेस्ट के लिए भी और अपने लिए भी, और सारा कुकिंग वगैरह हम उसी में करते हैं। बिल्कुल। तो ये आपका घर है। हाँ जी, तो आप नीचे आपके जो गेस्ट हैं वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं, वो रहते हैं, आप ऊपर रहते हो? हाँ जी, हाँ जी जी, ऊपर भी मतलब स्टे भी है, लेकिन हम जहाँ भी वो स्टे करेंगे वहाँ पे हम वो चूल्हा लगा लेते हैं, क्योंकि हीटर वगैरह इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होती नहीं है। सर्दियों में तो बहुत दिक्कत है, गर्मियों में भी दिक्कत है। उसके अलावा जैसे कि जितने भी हीटिंग मटेरियल्स आपके अवेलेबल करवाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह देते हैं कस्टमर को सर्दियों में, लेकिन उसका भी वही है, अगर लाइट होगी तभी होगा, काम करेगा नहीं। तो जो चूल्हा है वो उसमें लाइट की दिक्कत भी नहीं है और वो जलता रहेगा जी। ये दोस्तों आपने देखा, ये तो गेस्ट का रूम था। आगे आपको और भी पूरा पूरा घर घर घुमाए मैम आप हमें। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं सारे का सारा काम है वो लकड़ी का कर रखा है, वुडन पैनलिंग वगैरह करते हैं इससे भी, मतलब कि ये आपने ये गेस्ट के रखे लिए रखे हुए बर्तन ये सारे? हाँ जी, हाँ जी, ये आपने लिए मतलब दोनों के लिए? तो एक रूम ये इधर है, एक हमें इधर से इधर एंटर करते हैं, किचन है। आइए अब इन छोटे छोटे दरवाजों से हम बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ देखते हैं। और ये इधर क्या मैम, ये तो वो है वॉशरूम, वॉशरूम जैसा है ये वॉशरूम है जी, सर्दियों के लिए वॉशरूम। बिल्कुल, ये पुराने स्टाइल का, पहले ऐसे होता था, मतलब वो बाकी स्टोर रूम है आपके, अलग रूम है। और ये हमारे लकड़ी वाला रूम है, हम ये पूरा रूम लकड़ी से भरते हैं, अभी भी थोड़ा सा होगा तो हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये लकड़ी वाला रूम पूरा, ये पूरा भर जाता है, तभी सर्दियों का तेल वगैरह सामान छत पे रखते हो। और ये छतों पे क्या करते हैं आप, ये छतों पे जो रखा हुआ है? छतों पे ये हमने घास रखे हुए हैं, जैसे कि बर्फ या बारिश ज्यादा हो तो ये वाली दीवार जो है डायरेक्ट खराब ना हो, इसमें हमने चूना लगाया है।
फिर बाकी हमारे यहाँ पे हम गाय पालते हैं। गाय पालते हैं कि यहाँ पे जो दूध आप लोग होम स्टे में आके बेचोगे तो दूध दही घी सब ऑर्गेनिक मिलता है। बिल्कुल, तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और उधर ये मॉडर्न वाला है, ये पुरानी वाला है। तो इधर ये ऊपर हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, तो यहाँ पर भी सेम जो भारत का इंडिया का कल्चर था पहले, यहाँ पर अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से, इसके घरों की छतें आप देखिए, लकड़ी की छतें हैं, बिल्कुल लकड़ी की छतें। इधर एक रूम, ये इधर है, ये देखिए बहुत शानदार। और सभी जगह ये जितने भी आप देख पा रहे हो ना, ये इनके ये मंत्र हैं बौद्ध धर्म के, जितने भी लिखे हुए इनके ऊपर एक धार्मिक उसको ये छोड़ते नहीं है, उसका भी ये साथ में रखते हैं। हर जगह आपको मंत्र मिलेंगे। ये डाइनिंग, तो ये डाइनिंग एरिया बिल्कुल, तो यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खाया जाता है। ये जो आप बता रहे थे मेरे को, ये है वो चीज, चूल्हा। ये क्या चूल्हा है? चूल्हा, इसमें हम लकड़ी जलाते हैं और सारा कुकिंग वगैरह सब कुछ इसी में हो जाता है, प्लस ये कमरा वगैरह भी गर्म हो जाता है। तो ये देखिए जी आप, ये चूल्हा है जिनका, ये विंटर में काम करता है। हाँ जी, विंटर्स में। तो ये देख सकते हैं, समर्स में भी, अक्टूबर में अगर ज्यादा बारिश वगैरह हो जाए तब भी हम तो यूज करते हैं। और ये सेब की जब फोटो है, जब सेब तैयार हो जाता है तब की फोटोज है। और अब हम आपको ले चलते हैं चल रहे हैं पूजा घर में। तो ये पूजा घर है, ये देख सकते हैं, इधर दलाई लामा जी को देख सकते हैं जी आप, इधर आप ज्योति को देख सकते हैं। थोड़ा सा बताएंगे मैम इन चीजों के बारे में आप हमें थोड़ा बहुत? ये तो थंका पेंटिंग है ना सर? बिल्कुल। हाँ जी, तो बाकी हम हमारे ये जो बुद्धिज्म में हम एक कमरा अपना पूजा रूम करते हैं, और हम ये मानते हैं कि इसमें कभी भी दिया मतलब नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम कभी फैमिली अगर ट्रिप पे जाएंगे तब कोई ना कोई रख के जाएंगे जो हमेशा दिया जलाते रहे, हमेशा दिया जलाते हैं। हाँ जी जी, ये देख सकते हैं ये आप दिया जलाने के लिए यहाँ पे। हाँ जी, और जैसे कि अभी ये हमारा बुद्धिज्म का होली मंथ चल रहा है, सगा दावा बोलते हैं एक महीने के लिए, तो इसमें हम ये बिलीव करते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनका मतलब कि बर्थ डेथ और एज वेल एज एनलाइटमेंट उनको इसी महीने में मिला था। तो उन्होंने बोला था एक महीना मतलब कि एक होली मंथ रखना है, तो इस मंथ को हम जितना हो सके हम मतलब पॉजिटिव चीजें मतलब जितना धर्म का काम करेंगे वो उतना ही अच्छा होता है। हम बिलीव करते हैं जितने भी बुद्धिज्म है, टिबेटन हो गए, आपके लद्दाखी हो गए या जितने भी हैं, तो इस महीने में हम जितने ज्यादा से ज्यादा दान करेंगे उतना अच्छा होता है। और कल का दिन सबसे बड़ा शुभ दिन था, वो फुल मून था, पूर्णिमा था कल, तो हमने यहाँ पे 108 पूरा दिए जलाए थे हमने अपने घर में भी। हाँ जी, और मॉनेस्ट्री में भी जितने भी मॉनेस्ट्री होते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा दान वहां तक पहुंच जाए, जैसे साउथ से लेके नेपाल और जहाँ जहाँ हमारे पुजारी अगर हमारे पास कॉन्टेक्ट होते हैं तो हम सबको मतलब कि दान करते हैं ताकि सारे मंदिर में पूजा हो जाए सबके हित में। बस अभी होली मंथ चल रहा है तो हम वेजिटेरियन रहेंगे इस मंथ में, कोई भी नॉन वेज का वो नहीं करते हैं, वो भी कंपल्सरी नहीं है, वो अपने ऊपर है कि हम बिल्कुल आपकी हरदा पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी डेडिकेशन से आप इस मंथ को होली रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं अंधेरे की वजह से शायद अभी तक उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं, तो देख सकते हैं जी आप दलाई लामा जी को आप इधर फिर से देख सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए। और ऐसे जैसे सुबह हम रोज ये पानी भरते हैं इनमें, और शाम को रोज पानी को हम या तो फूलों में डालते हैं या छत के ऊपर। देख सकते हैं जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। तो ये रूम एक्स्ट्रा ही अलग से रूम? हाँ जी, ये तो हमारे बेडरूम्स। बिल्कुल, बेडरूम है ये आपके, ये किचन का बर्तन धोने के लिए। तो ये लोबी वगैरह है, तो इसमें से सारा होता है। जैसे हमारे यहाँ तो एक कमरा तो स्टोर रखना पड़ता है, वो वाले बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप लोगों की शादियों में या फिर कुछ भी गैदरिंग होते हैं आप लोग कैटरिंग वगैरह बुलाते हैं तो हमारे यहाँ पे हमें खुद को रखना पड़ता है सारी चीजें। बिल्कुल, तो शादियों के लिए आप अपना एक कमरा रखते हो? सब चीजें मतलब कि क्रॉकरी से लेके बड़े बड़े यूटेंसिल्स वगैरह जो भी हैं, कुकर वगैरह, बिल्कुल सब रखते हैं। घर की छतें भी लकड़ी से बना रखी है? हाँ जी, नेचुरल है। ये पानी इनके नीचे नहीं आता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता। जब बर्फ गिरती है तब भी नहीं आता? तब भी नहीं, बर्फ हवा हटाते हैं, बर्फ छत के ऊपर से हटा के हमें फेंकना होता। अच्छा, बर्फ छत से उतारते हैं क्योंकि आपकी छत ऐसी नहीं है? हाँ जी नहीं है, अगर हम वो चादर वाला लगा देंगे तो फिर हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये ट्रेडिशनल घर है जो हमने आपको दिखाए, तो इनमें आप आके रह सकते हैं। अगर आप होम स्टे में रहोगे तो आपको यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशनल और जो भी है सब पता, लोकल खाना सब पता लग जाते हैं। अगर हम आप लोग होटल में रहेंगे तो ये चीजें मिस, ये चीजें पता ये मिस हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होगी, और आप बुद्धिज्म को आप
जो स्पीति वैली का जो कल्चर है उसको पास से देख सकते हैं। बिल्कुल, जो एक बहुत जरूरी है। और आप यहाँ पे आगे कुछ कुछ भी लग्जरी मत एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जो बड़े शहर है यहाँ से वो 400-500 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, तो ये अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आपने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें इनके पेज को। थैंक यू, थैंक यू, खूब सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। खूब सारा प्यार देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शानदार चीजें तभी लाखों लोगों तक पहुंचेंगी। ये हमारे जो कल्चर है हमारा दूर दराज का, वो तभी पूरे इंडिया दुनिया तक पहुंचेगा जब हम इसको प्रमोट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। और एड्रेस फोन नंबर वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैडम से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।